अच्छा जी, तो लास्ट हमने क्या कर लिया था, ऑथ गार्ड को ज़रा कंप्लीट कर लिया था मैंने। लॉगिन और साइनअप की एपीआई को हमने क्या कर लिया था आपस में, लॉगिन और साइनअप की एपीआई को जो है वो रिएक्ट की ऐप से इंटीग्रेट कर लिया था। अच्छा, आज हमने जो है ना दो काम करना है। एक तो हमने ये सीखना है, पहले तो इसको हम चला लेते हैं, सबसे पहले तो उसको वो चढ़ के ज़रा हाथ से कर दो ना, फोकस सेट कर दो इसका। दो उसके अंदर नॉब लगी हुई होगी, एक फोकस की होगी, एक जूम की होगी। ठीक है भाई, स्प्लैश स्क्रीन हमारी शो हुई थी इस दफ़ा, इसको जब मैंने चलाया आज तो स्प्लैश स्क्रीन शो हुई है हमें। गुड। अच्छा तो जी, हमारे पास कुछ इस तरह की सेटिंग आ गई थी। लॉगिन और साइनअप की एपीआई को हमने क्या कर लिया था, इंटीग्रेट कर लिया था यहाँ से। अच्छा, लॉगआउट की एपीआई हमने नहीं बनाई थी ना, पहले तो लॉगआउट की एपीआई बना लेते हैं, उसके बाद हमने दो काम और भी करना है। नंबर एक काम हमने ये करना है कि जो एडमिन टाइप का जो यूज़र है, अब जाहिर है सर्वर पे जब मैंने इसको सिक्योर करना है, तो सर्वर पे अगर मैं एडमिन टाइप की एपीआई बना रहा हूँ जो सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सके, तो उसको मैं रोल कैसे मैनेज करूँगा उसका, तो वो हमने देखना है। फिर दूसरा ये कि इस ऐप को ना हमने प्रोडक्शन में एक दफ़ा चला के देखना है, क्योंकि काफ़ी देर से हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, इसको प्रोडक्शन में हमने चला कर नहीं देखा, और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इस वक्त हैं जो अगर मैं एज इट इज़ इसको प्रोडक्शन में चलाऊँगा ये काम नहीं करेगी, तो मुझे कुछ छोटी मोटी चेंजेस करनी पड़ेंगी इसको प्रोडक्शन में सही करने के लिए। ठीक है, तो पहले लॉगआउट की लेकिन एपीआई बना लेते हैं। लॉगआउट हाथ से मुझे करना पड़ता था। अच्छा, मैं जाता हूँ कहाँ पे भला, राउट्स में और ऑथ डॉट एम जी एस के अंदर जाता हूँ मैं, और ऑथ डॉट एम जी एस के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे लॉगिन की एपीआई मेरे पास बनी हुई है यहीं पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक अदद लॉगआउट की एपीआई बना लेता हूँ। ठीक है, वो भी क्या होगी, पोस्ट की एपीआई होगी, और इस तरह करके मैं उसको लॉग आउट इसका नाम रख देता हूँ। सब लोगों को आई होप नज़र आ रही होगी स्क्रीन। अच्छा, इसके अंदर मैंने सिंपली क्या करना है, जो मैं कुकीज़ को जस्ट मैंने क्लियर करवा देना है, दैट्स इट। इसके अंदर मैंने इससे मतलब ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। जैसे लॉगिन के अंदर मैं क्या करता था, कुकीज़ को पॉपुलेट करता था। ठीक है, ये मैं इस तरह करके टोकन तैयार करता था, और मैं क्या करता था, ये ऐसे करके कुकीज़ भेज देता था यहाँ से फ्रंट एंड के ऊपर, और ऐसे करके एक मैसेज भेज देता था। तो मैंने ये एक्चुअली यही काम मैंने क्या करना है, अभी दोबारा करवाना है। और मैंने अब की बार जो मैं इस तरह से कुकीज़ भेजता था ना ऐसे करके, मैं कहता था रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ और टोकन और इक्वल्स टू, आगे ये मैं बात लगाता था, एक जो टोकन एक्चुअल टोकन है वो लगाता था, और साथ में एच टी टी पी एस ओनली ट्रू करता था, सिक्योर ट्रू करता था, एक्सपायर के आगे एक डेट लगाता था उसके, तो ये सारा काम मैं करता था, और उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देता था। अच्छा, तो मैं रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी करके उस कुकी का नाम लिख सकता हूँ, या फिर मैं पूरा का पूरा यही वाला कोड भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बट इसमें एक्चुअल टोकन की जगह मैं क्या लगा दूंगा, एम टी स्ट्रिंग लगा दूंगा। ठीक है, या मैं कोई ऐसी चीज़ लगा दूंगा जो टोकन नहीं है, एम टी स्ट्रिंग कर सकता हूँ उसको। ठीक है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, और मैं ये क्लियर कुकी वाला भी काम इसमें कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो क्लियर कुकी वाले से हम करके देखते हैं कि क्या हमारी कुकीज़ क्लियर हो जाती हैं कि नहीं हो जाती। ठीक है, क्योंकि हमारी कुकीज़ जो है वो दो तरह की होती है, कि एच टी टी पी ओनली कुकी होती है, और एक क्या होती है, सिंपल कुकी होती है। तो देखते हैं कि ये दोनों कुकी को क्लियर कर देता है या जस्ट एक को कर रहा होता है। ठीक है, लॉगआउट सक्सेसफुल, यहाँ से मैसेज जा रहा होगा एक। अच्छा, तो पोस्ट पे लॉगआउट की रिक्वेस्ट आ जाते हैं जी, हम देख लेते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, एक्चुअली फ्रंट एंड के ऊपर जाके मैंने नेविगेशन बार में लॉगआउट का एक बटन शो कराना है मैंने। अच्छा, मैं वेब में चला जाता हूँ, और मैं चला जाता हूँ एस आर सी में, और मैं चला जाता हूँ कॉम्पोनेंट्स के अंदर, नो नॉट कम्पोनेंट्स, ऐप डॉट जे एस एक्स में मैंने नेविगेशन बार को सीधा सीधा ही बनाया हुआ है। सही है, नेविगेशन बार को मैंने सीधा सीधा ही यहाँ पर बनाया हुआ है। अच्छा, तो लॉगिन अगर इज लॉगिन ट्रू होता है, तो उस सूरत में मुझे लॉगआउट का बटन एक्चुअली दिखाना है ना। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यार इज लॉगिन ट्रू और रोल इक्वल्स टू एडमिन। अच्छा, रोल एडमिन हो या यूज़र हो, दोनों सूरतों में मुझे लॉगआउट का बटन दिखाना है। वेल, मैं अभी फिलहाल यूज़र वाले पे आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे बंदा साइन इन है इस वक्त, वो एक यूज़र टाइप का बंदा है, तो मैं यूज़र वाले के अंदर आ जाता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ईमेल बंदे की मैंने डिस्प्ले करवाई हुई है, इसके साथ मैं एक बटन यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ, दैट इज़ लॉग आउट बटन। ठीक है, और लॉग आउट बटन के साथ मैं क्या कर देता हूँ, ऑन
क्लिक के ऊपर इसके एक फंक्शन चला देता हूँ, लॉग आउट हैंडलर, ठीक है। अच्छा एग्जैक्टली इसी तरह का बटन मैंने एडमिन वाले नेविगेशन बार में भी दिखाना है, तो चलो हाथ के हाथ इसको हम कर ही देते हैं, सही है। इसी तरह का एक मैंने बटन यहाँ पे दिखाना है, तो दोनों दोनों तरह के नेविगेशन बार में, चाहे वो एडमिन लॉगिन हो चाहे वो एक आम यूज़र लॉगिन हो, दोनों के मैंने लॉगआउट का बटन शो कराना है। अच्छा लॉगआउट हैंडलर का जो एक अदद फंक्शन है, ये मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। ये तो यूज़ इफेक्ट आ गया ना, यूज़ इफेक्ट को बंद करता हूँ मैं, सही है, यूज़ इफेक्ट को बंद करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी कॉन्स्ट लॉगआउट हैंडलर, और ये जी एसिंक हो गया, और सजेशन दे दे, ये सजेशन आ गई भी मेरे पास, ठीक है। लॉगआउट हैंडलर के अंदर एसिंक फंक्शन है ये, और इसके अंदर क्या होता है, ट्राई करता है ये एग्जियोस डॉट गेट, नहीं एक्चुअली मेरे केस में एग्जियोस डॉट पोस्ट है, ठीक है। v1/logout और विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू, और डिस्पैच यहाँ से कर देता हूँ मैं यूज़र लॉगआउट। देखो इतना समझदार है इसने, सजेशन में सब लिख दिया है यहाँ पर। एक्चुअली तो मुझे डिस्पैच ये करना है ना, ठीक है, जैसे मैं लॉगिन पर डिस्पैच करता था, इसी तरह मैं लॉगआउट पर ही डिस्पैच मारूंगा, जो मुझे पता है मेरे पास कॉन्टेक्स्ट API के अंदर ये इस नाम का रिड्यूसर एक बना हुआ है। तो यहाँ से इसको क्या कर देगा, ये यूज़र लॉगआउट को जैसे ही डिस्पैच करेगा ना, तो वो चल पड़ेगा। तो पहले तो ये API हम देखते हैं कि हिट सही तरह हो रही है कि नहीं हो रही, उसके बाद हम ये डिस्पैच वाला काम करेंगे। अभी मैं डिस्पैच को रोक देता हूँ, ठीक है। API सही तरह हिट होगी तो टोकन मेरा गायब हो जाना चाहिए फ्रंट एंड से। आ जाते हैं अब यहाँ पे हम, और आके हम जैसे ही इसको रिफ्रेश करते हैं तो मेरे नेविगेशन बार में मुझे ये लॉगआउट का बटन नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा अभी मेरा नेविगेशन बार एक्चुअली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, लेकिन अभी मैंने इसके ऊपर CSS बिल्कुल भी नहीं लगाई है, ठीक है। बिल्कुल भी CSS ना लगाने का एक रीज़न ये है कि आपको क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाएँ आप कि जी कौन सा पार्ट जो है ना फंक्शनैलिटी के लिए और कौन सा पार्ट जो है वो स्टाइलिंग के लिए होगा। तो स्टाइलिंग का इसमें कोई पार्ट नहीं है, सारे इसमें फंक्शनल पार्ट्स इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, और मैं एप्लीकेशन में चला जाता हूँ, और एप्लीकेशन में जाने के बाद ये टोकन मेरे पास यहाँ मौजूद है, और मैं देखता हूँ जी कि यहाँ से लॉगआउट प्रेस करते ही क्या होता है, यहाँ से ये टोकन गायब नहीं होता है, ठीक है। नेटवर्क में जाके देखता हूँ क्या रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से तो 200 आ जाता है, लेकिन मेरे पास से यहाँ पे जो टोकन है ये गायब नहीं होता है, ठीक है। टोकन मेरे पास से गायब नहीं हो रहा, ठीक है। टोकन गायब ना होने का रीज़न क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली वो ये रीज़न है कि ये क्लियर कुकीज़ जो है ना ये उसको हिट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो क्लियर कुकीज़ की जगह मुझे ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, आई थिंक ठीक है, ये वाला हमें यूज़ करना पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली, सही है। सब कुछ ओके है, मैंने इसको रिफ्रेश किया और मैं लॉगआउट का बटन प्रेस करता हूँ अब की बार। यार ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हिट हो रहा है इसको, ये मैं लॉगआउट हिट करता हूँ तो जवाब तो सही आ जाता है, ये एप्लीकेशन में से गायब क्यों नहीं होता, लेकिन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो भी ये रहता है, ये क्या चक्कर है। रिस्पॉन्स डॉट कुकी मैंने लगाया तो सही तो लगाया बिल्कुल, लॉग आउट सक्सेसफुल जवाब भी आ जाता है यहाँ पे मेरे पास, अच्छा यहाँ पे से ये सेट कुकी कर तो रहा है, टोकन इक्वल्स टू को ये एम्प्टी कर रहा है, लेकिन मेरे यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट नहीं होता समहाउ। एक काम करता हूँ, इसको मैं ज़रा डिलीट मारता हूँ, और डिलीट मार के मैं इसको नए सिरे से लॉगआउट लॉगिन करता हूँ, और फिर देखते हैं कि इस पर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने abc@abc.com को मैंने नए सिरे से लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद अब मैं इसको क्या करता हूँ, लॉगआउट को हिट करता हूँ, तो लॉगआउट को हिट करने से यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ अच्छा, अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग ना लिखूँ इसमें, मैं कोई बात लिख दूँ ऐसी रैंडम कोई बात लिख दूँ, ठीक है। और अब मैं इसको अगर लॉगआउट करूँ तो अब तो इसको हिट हो जाना चाहिए, अभी भी नहीं हो रहा, ये क्या सीन है यार। /api/v1/logout विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू, इसमें मिस्टेक क्या है, नहीं वो तो चलो एक्सपायर में अगर लगाऊं ना लगाऊं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क,
अगर यहाँ पे मैं एक्सपायर्स पे कुछ भी ना लगाऊँ या कुछ लगा भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? टोकन इसी नाम से मैंने रखवाया हुआ है, हाँ इसी नाम से रखवाया हुआ है, ऑब्वियसली इसी नाम से है। तो जब मैं पीछे से टोकन चेंज मारता हूँ तो फ्रंट एंड पे ये टोकन चेंज क्यों नहीं करता? यार कोई ऐसा काम है जो लॉगिन के ऊपर मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे वो काम मिस कर रहा हूँ। अब वो कौन सा काम है ज़रा वो कंपोनेंट्स में चल के हम देख लेते हैं। मैं कोई ऐसी चीज़ इसमें ख़ास चीज़ में मिस कर रहा हूँ, मैं लॉगिन के पेज पे चलता हूँ और ऐसा क्या काम है जो मैंने यहाँ पे नहीं किया है? ओके गॉट इट, समझ आ गया, सही है, समझ आ गया। मैं मिस्टेक ये कर रहा हूँ कि मेरे पास जो एग्जियोस्ट डॉट पोस्ट होता है उसमें जो पहला ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? पहला ऑब्जेक्ट जो बॉडी होता है। तो मैं एक्चुअली इस तरह करके जो भेज रहा हूँ ना इसको रिक्वेस्ट में, ये एक्चुअली मैं बॉडी में विद क्रेडेंशियल ट्रू लिख के भेज रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा डाल के एक मैंने बॉडी बनानी है जो कि एम्प्टी है, कॉमा डाल के फिर मुझे ऑप्शंस के अंदर विद क्रेडेंशियल ट्रू लिखना है। तो ये मैं मिस्टेक कर रहा था जिसकी वजह से मेरा डेटा अपडेट नहीं हो रहा था, ठीक है। समझ आया ये क्या हो रहा था? समझ आया नहीं आया? देखो मैंने पहले इस तरह किया हुआ था, एग्जियोस डॉट पोस्ट में मैं पहले URL लिखता हूँ और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो पैरामीटर देता हूँ, ऑब्जेक्ट जो देता हूँ, वो क्या होता है? वो बॉडी होता है। लेकिन विथ क्रेडेंशियल ट्रू मुझे बॉडी में थोड़ी लिखना है, वो तो मुझे ऑप्शन में लिखना है जो कि तीसरा पैरामीटर है। तो मैं यहाँ पे सेकंड पैरामीटर एम्प्टी एटलीस्ट मुझे पास करना पड़ेगा, ठीक है एटलीस्ट। तो अब ये सेकंड वाली चीज़ को अब ये बॉडी समझेगा जो कि खाली है, और थर्ड वाली चीज़ को ये अब ये ऑप्शन समझेगा जिसके अंदर ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहले जो मैं रिक्वेस्ट मार रहा था उसमें ये बॉडी में चला जा रहा था और ऑप्शंस खाली चला जा रहा था, इस वजह से मेरा डेटा अपडेट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब होपफुली मेरा डेटा जो अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं लॉगआउट का बटन दबाऊंगा जैसे ही, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये टोकन की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। और टोकन की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग, एक्चुअली मुझे करवाना है ना टोकन को, तो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग करवाऊंगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा। मैंने लॉगआउट का बटन हिट किया तो ये एम्प्टी हो गया, सही है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा इसको तो ये ऑटोमेटिकली लॉगआउट हो चुका है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिकली लॉगआउट। मैं दोबारा लॉगिन मारता हूं इसको, ये मैंने दोबारा लॉगिन मारा, टोकन यहाँ पे आ गया, टोकन इधर आ गया, ठीक है। जैसे ही लॉगआउट हिट करूंगा टोकन गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ से टोकन तो मैंने करवा दिया ख़त्म, लेकिन यहाँ से टोकन ख़त्म करवाने पे क्या होता है, मेरा पेज तो वहीं खड़ा हुआ है तो मैंने पेज को भी मूव करवाना है। अच्छा एक्चुअली मुझे ये पूरा इतना कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, वो पहले क्लियर कुकी वाला जो कोड मैंने लिखा था वो तो चल जाएगा ना, रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी है ना, क्लियर कुकी एक्चुअली मुझे करना था ना, ये तो मैं वैसे ही बता रहा था, क्लियर कुकी से मेरा काम हो जाना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो मैं लॉगआउट का बटन दबाऊंगा तो ये पूरी कुकी उड़ा दी इसने, रिफ्रेश करूंगा तो ये लॉगआउट हो गया। मैं दोबारा इसको लॉगिन करता हूँ, ठीक है, ये लॉगिन हो गया, मैं यहाँ पे टोकन आ गया कुकीज़ के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही मैं लॉगआउट का बटन दबाऊंगा तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू उसकी चेंज नहीं कर रहा बल्कि पूरे को ही गायब कर दे रहा है, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली काम ये वाला करना है, लेकिन मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, दोनों तरीके ठीक हैं। अच्छा तो ये मेरा क्या हो गया, लॉगआउट का फंक्शनैलिटी कम्प्लीट हो गई, बट मुझे कॉन्टेक्स्ट API के अंदर भी, अब मैं कॉन्टेक्स्ट API में आके देख लेता हूँ मैंने क्या बनाया हुआ। मैं अपनी कॉन्टेक्स्ट API में अगर जाकर देखता हूँ, ठीक है, context/reducer, तो यहाँ पर जब user_login हिट होता है तो इसमें पेलोड में कुछ चीज़ें आती हैं, और पेलोड में वो चीज़ें आती हैं उसके ऊपर चेक लगता है, ये सारा चेक वैक लगने के बाद वो सारा कुछ कहाँ चला जाता है, इस लॉगिन पे ट्रू हो जाता है और रोल इक्वल्स टू रोल में एडमिन या यूज़र आ जाता है, और तीसरा यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आ जाता है, ये तीन चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, लेकिन अब मैंने लॉगआउट पे क्या करना है एक्चुअली, इस सारी चीज़ों को, इस लॉगिन तो देखो फॉल्स करना ही करना है मुझे, इस लॉगिन ट्रू था ना इसको मैंने फॉल्स करना है, ठीक है। कॉमा डाल के क्या करना है मुझे, रोल की जगह नल कर देना है, ठीक है, जो भी इनिशियल वैल्यू थी वहाँ ले जाना है मैंने, ठीक है। रोल नल था, क्या था, मैं ज़रा कॉन्टेक्स्ट में देख लेता हूँ, हाँ रोल मेरा नल था, अच्छा जी। और मेरा जो यूज़र था, यूज़र वॉज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनिशियल जो वैल्यू थी तीनों को मैं इनिशियल वैल्यू पर लेकर चला गया। तो अब क्या होगा,
कि मैं जब रिड्यूसर से ये हिट करूँगा ना यूज़र अंडरस्कोर लॉगआउट, लॉगआउट के बटन के क्लिक होने पे मैं ये चीज़ डिस्पैच मारूँगा यहाँ से, ये जैसे ही डिस्पैच मारूँगा ना तो ये फिक्स चेंजेस जो मैंने बताई हुई है स्टेट में करने के लिए वो चेंजेस ये कर देगा स्टेट में, ठीक है। तो लिहाजा अब क्या होगा, अब अगर मैं लॉग इन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैं लॉग इन हो गया, ठीक है, अबाउट के अंदर मैं देखता हूँ जाके तो ये सारा मेरा कॉन्टेक्स्ट मैंने प्रिंट करवाया हुआ था ना अबाउट में, तो ये इज लॉग इन ट्रू और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं। जैसे ही मैं लॉगआउट हिट करूँगा ना सिर्फ यहाँ से टोकन रिमूव हो जाएगा बल्कि मेरे कॉन्टेक्स्ट API से भी वो इज लॉग इन को फॉल्स मारेगा, तो मेरा क्या होगा, ठक करके वो लॉग इन के पेज पर गिरेगा आगे। समझ आया ये कैसे लॉग इन के पेज पर गिरा है आगे, क्योंकि मैंने टर्नरी ऑपरेटर लगाया हुआ है इज लॉग इन ट्रू के ऊपर। तो इज लॉग इन ट्रू जब तक रहता है तो जब तक मुझे अलग UI दिखती है, जैसे ही फॉल्स होता है एक अलग UI दिख जाती है मुझे। तो ये मेरा क्या हो गया, लॉग इन साइन अप और प्लस लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को मैंने पूरा कर लिया, ठीक है। लॉग आउट की फंक्शनैलिटी में किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल? अच्छा, लॉग आउट की जो फंक्शनैलिटी है वो मैं फ्रंट एंड के ऊपर रहते हुए भी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं सर्वर पे जाऊँ। फ्रंट एंड के ऊपर रहते हुए भी मैं लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को पूरा कर सकता हूँ, यानी कि टोकन तो मेरा फ्रंट एंड के ऊपर है ना, मैं एक्सेस नहीं कर सकता टोकन को, लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस नाम का कोई टोकन है तो उड़ा दो उसको, सवाल है ये कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ। तो मैं आगे क्या बोलता हूँ यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई रिमूव ऑल कुकीज जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ऑल नहीं एक्चुअली HTTPS कुकीज, कि क्या HTTPS ओनली कुकीज़ जो हैं क्या मैं उनको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। एक आर्टिकल आ गया छोटा सा यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ कि आया कि मुझे वो डिलीट करने के लिए अलाउ करता है कि नहीं करता, ये पता नहीं क्या लिखा है इसने, ठीक है। हाउ टू डिलीट कुकीज़ विथ HTTP ओनली यूजिंग PHP, अच्छा यहाँ पे इन्होंने ना एक क्लियर एक जवाब लिख दिया है कि जी यू कैन नॉट डिलीट एन HTTP ओनली कुकी ऑन द क्लाइंट साइड विद JavaScript, ठीक है। JavaScript के ज़रिए आप फ्रंट एंड के ऊपर अगर मौजूद भी हैं तो HTTP ओनली कुकी को आप डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो अगर यूज़र हाथ से डिलीट करते वो बात अलग है, लेकिन JavaScript के ज़रिए नहीं करते। दिस पोस्ट पॉइंट आउट इट हैज़ टू बी डन ऑन द सर्वर साइड विथ Node.js, ठीक है। अब ये इन्होंने कोई पोस्ट बताया है, अच्छा अब नीचे लेकिन कुछ बंदों ने बोला है कि एक्चुअली यू कैन इफ़ यू आर यूजिंग Node.js ऑन सर्वर साइड, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर आपने Node.js पे ही आपकी पूरी सेटिंग चल रही है तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। यू मीन दैट यू कैन डिलीट इट विद JS। अब ये आर्टिकल इन्होंने कुछ पोस्ट बताया हुआ है कि यार ये पोस्ट जो है ना हाउ टू डिलीट सेशन कुकीज़, इसको तो -1 मारा हुआ है लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिख दिया कि भाई HTTP ओनली वाला अगर माल है ना तो उसको ना आप रीड कर सकते हो, ना चेंज कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ HTTP मस्ट बी चेंज ऑन द सर्वर, ठीक है, सर्वर से ही वो चेंज होगा, यहाँ से डिलीट भी नहीं होगा। यार मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि इसका एक तरीका कोई था, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे किसी ने वो मेंशन नहीं किया हुआ तरीका। Why I'm not deleting the session cookie from the JavaScript? एक दफा मैं और सर्च मारता हूँ। अच्छा क्लियर कुकी के साथ भी इन्होंने बोला कि यार HTTP ओनली आप ट्रू लगाओगे, लेकिन हमने नहीं लगाया, लेकिन फिर भी हमारा काम हो रहा है एक्चुअली।
नहीं यार, जितनी जगहों पे मैंने सर्च किया यहाँ पे सारे यही बोल रहे हैं कि जी आपने जो है ना आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। सही है, सबने मना कर दिया, सबने ये बोल दिया कि भाई HTTPS वाला है ना अगर, तो उसको सर्वर से ही डिलीट होगा, वो फ्रंट एंड से नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसको फिलहाल मान के, सही मान के चलते हैं। तो जी ये मेरा लॉगआउट वाला है ना, यहाँ पे फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई। अब अगला काम मैंने क्या करना है, अब अगला काम मैंने ये करना है कि इसको ज़रा ना एक दफ़ा मैं प्रोडक्शन में चला के पहले देख लूँ, या पहले एडमिन APIs बना लूँ। प्रोडक्शन में एक दफ़ा चला के देख लेता हूँ इसको मैं।